सो हेलो एवरीवन, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। एंड टाइटल में आपने देखा होगा, सीधा लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी अभी मेरे को उबर ईट से नोटिफिकेशन आया कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है एंड आई एम एलिजिबल टू स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन माई बाइक। तो वो नोटिफिकेशन आया एंड मैं पड़ा हुआ था बेड पे। दिन में मेरी शिफ्ट थी 6-7 घंटे की। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो मुझे पता था घर पे रहता कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता, टाइम वेस्ट करता। बट वो भी ठीक है, रिलैक्स करना ज़रूरी है, बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता। और एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि यार ट्राई करके आते क्या सीन है, कैसा है। बिकॉज़ मैं एक बिजी एरिया में रहता हूँ, आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ कंटेंट। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बिकॉज आई नो ऊबर ईट्स के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज इट्स सो फ्लेक्सिबल। किसी भी टाइम कितनी भी देर के लिए आप करो, आपको जितना करना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। एंड मेरे को देखना है कि एक मैनुअल बाइक पे, $120 की बाइक है, पूछना मत इतनी सस्ती कैसे पड़ी। के मार्ट में $120 की स्टार्टिंग बाइक मिल जाती है, तो वो बाइक है। एंड इस $120 की मैनुअल बाइक पे आज मैं कवर करूँगा, केवल 2 घंटे करूँगा मेरे को, क्योंकि इसमें मेरे को पैसे नहीं कमाने हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज कि कितना स्कोप है इस फील्ड में एंड कैसा है, क्या सीन है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा 2 घंटे के बाद कि कैसा रहा। मैं ये बताऊँगा कितने पैसे बने, सो यू गाइज कैन हैव एन आइडिया। आप इसको कंपेयर कर सको किसी अलग जॉब से, या अपना माइंड मेकअप कर सको कि ये करना है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अराउंड 16-17-18 डॉलर बनेंगे पर आवर। एंड मैं बहुत गंदा थक जाऊंगा, क्योंकि साइकिल का चलाए हुए टाइम हो गया, पैर सोर हो जाएंगे बहुत। ई बाइक यहाँ पे लोग बहुत प्रेफर करते हैं। ई बाइक मैंने मोस्टली यहाँ पे, मोस्टली क्या, सबको ई बाइक पे ही करते हुए देखा है डिलीवरी। बट हमारे पास मैनुअल बाइक है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार जवान है, चला लेंगे बाइक, क्या दिक्कत है। ई बाइक में क्या रखा है। तो चलो लेट्स गो, कोई टाइम वेस्ट नहीं, लेट्स गेट स्ट्रेट टू दिस। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं ऑन कर देता हूँ उसमें, क्या बोलते हैं उसको, तो बस उसमें बटन ऑन कर देता हूँ दैट आई एम अवेलेबल टू डिलीवर एंड लेट्स वेट फॉर आर फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं मेरे कमरे में इसको ऑन कर दूंगा, बिकॉज मेरे को केवल साइकिल उठा के निकलना है, तो ये अनदर प्लस पॉइंट है एक बिजी एरिया में रहने का। तो मैं कमरे में पड़े पड़े ऑन करके वेट कर सकता हूँ, तो मैंने ऑन कर दिया है एंड बस अब वेट करूंगा ऑर्डर आने का। ऑर्डर आते ही साइकिल लेते ही निकल जाऊंगा, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस कमरे से निकालनी है, लिफ्ट से नीचे जाना है एंड ऑफ वी गो। तो लेट्स वेट। अजीब सी नर्वसनेस हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज इतने लोगों को देखा है मैंने यहाँ करते हुए, इतनी वीडियोज़ देखी है अपने इंडियन व्लॉगर्स एंड ऑल की। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। प्लस बाइक पे करेंगे हम, विच इज़ यूनिक, बिकॉज मैनुअल बाइक पे नहीं करते लोग, यहाँ पे एनर्जी बचाते हैं, ई बाइक्स पे करते हैं, विच इज़ गुड। पहला ऑर्डर आ चुका है, बिल्कुल बाहर बिल्कुल बाहर KFC पे जाना है एंड मैथ्यू भाई का ऑर्डर है। धूर भी नहीं है यार एंड मनी इज़ गुड। मैं बताता हूँ बाद में कितने पैसे बने, स्टे ट्यून्ड। तो उठाते हैं साइकिल एंड बस, मतलब 200 मीटर दूर KFC है एंड 1 किलोमीटर आगे मैथ्यू भाई का घर है, तो उन्हें उनका खाना पकड़ाते हैं। चलो लाइव देख रहे हो व्लॉगर की, वहाँ पे वो खाने का वेट कर रहा है आदमी बेचारा, मैं सिनेमैटिक्स ले रहा हूँ साइकिल, क्या होगा मेरा। अरे यार निकल जा। डू यू गिव अ हैंड बैग एज वेल? यस, गिव लाइक अ बैग। थैंक यू। तो मैथ्यू भाई का पार्सल उठा लिया है एंड ज़्यादा दूर नहीं है मैथ्यू भाई, 2 किलोमीटर ही दूर है, तो चलते हैं फटाफट उनको उनका खाना दे। तो मैथ्यू भाई को फ़ोन कर दिया है, मैथ्यू भाई आ रहे घर के बाहर अपना पार्सल लेने एंड दिस इज़ आर फर्स्ट डिलीवरी, सो एक्साइटेड। लेकिन मज़ा आया यार, वैसे रैंडमली कमरे में बैठा बैठा उठ के आ गया कि चलो ये करते हैं। सो फर्स्ट डिलीवरी एवर एंड मैथ्यू भाई को दे दिया उनका खाना, आई होप ही इन्जॉयज इट। अरे सब अब देखते हैं कि पैसे कितने बने, क्योंकि अगर आप साइकिल पे कर रहे हो उबर ईट्स तो आपके थोड़े कम बनते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कितने रुपए, अरे भाई कितने डॉलर बने, लेट्स चेक। एंड अपने बने हैं $8.09 एंड इट हार्डली टुक मी 15 मिनट्स। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इतना नहीं एक्सपेक्टेड था। आई थॉट 8.09 इज़ द बिल वैल्यू जिसको मेरे को कुछ मिलेगा, बट एक्चुअली आई थिंक 8.09 पूरा मेरे को मिला है, विच इज़ गुड। तो चलो लेट्स लुक फॉर मोर ऑर्डर्स, मोर लाइक वेटिंग
टू गेट मोर ऑर्डर्स. सो सेकेंड डिलीवरी ऑफ द डे, 5 मिनट में सेकेंड डिलीवरी आ गई. मैकडोनल्ड जाना है, चलते हैं. थैंक यू. लोग देख के ही नहीं चलते हैं आगे, बताओ यार. सो जस्ट फिनिश्ड माई सेकेंड डिलीवरी एंड डिस्टेंस लंबा था. नाउ आई नो कि पीपल ई बाइक क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज अभी जैसे मेरी जो डिलीवरी थी 4 किलोमीटर की थी, एंड 4 किलोमीटर में मेरी हालत ख़राब हो गई, बिकॉज बीच में इतनी बार चढ़ाई ढलान एंड इतनी ठंड में आई एम लिटरली स्वेटिंग. तो अब मैं समझ गया भाई, ई बाइक सा बेटर. मेरे को पहले लग रहा था कि अरे क्या सीन है यार, सब चिल है, अपन अपनी नॉर्मल मैनुअल बाइक पे कर लेंगे गियर वाली, बट नो इट्स नॉट गुड, आप बहुत थक जाओगे. मेरा कोई प्लान तो नहीं है फिलहाल करने का, बट अगर फ्यूचर में हम ये करते हैं डिलीवरी जॉब, देन आई एम ऑब्वियसली गोना गो फॉर एन ई बाइक, बिकॉज अराउंड $70 पर वीक रेंट पे ई बाइक मिल जाती है, एंड इट्स मच बेटर बिकॉज आपको स्लोप्स एंड ऑल पे यू डोंट हैव टू पेडल, वो आप काफ़ी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कूटर. हो गया एक्सपीरियंस कि 4 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाती है मैनुअल बाइक पे. एंड यार इट्स नॉट इवन अबाउट गेटिंग टायर्ड, द थिंग इज़ दैट आने जाने में इतना टाइम लगेगा दैट वर्थ इट नहीं रहेगा आपका. वो आपका जो पर आवर का एक टारगेट होगा कि यार इतने बनाने एक घंटे में, वो नहीं अचीव हो पाएगा. तो गो फॉर ई बाइक्स. तो आई वॉज गोइंग बैक टू हॉथोर्न, जहाँ मेरी यूनी है, जहाँ मैं रहता हूँ, एंड वी गॉट आर थर्ड ऑर्डर जो कि बिल्कुल पास में है, एंड उसका ड्रॉप लोकेशन भी बिल्कुल पास में है, लाइक 1 किलोमीटर. नाउ ये चीज़ बेटर है यू नो, कि एक एक किलोमीटर में अगर $6-8 बन रहे हैं देन इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, बट 3-4 किलोमीटर में इट्स 3-4 किलोमीटर में यार परेशान हो जाओगे इफ आपके पास ई बाइक नहीं है. तो इट्स गुड, बिल्कुल रस्ते में एक और ऑर्डर मिल गया. लेट्स डू दिस, लेट्स गो. तो सितिका जी ने फ्राइड राइस मंगाए हैं, उनको उनके फ्राइड राइस पकड़ाते हैं, बिल्कुल पास में ही है घर. लेट्स गो. तो डिलीवरी डन, एंड आज मैंने जैसे ही गाली दी इसको 2-3 कि क्या 4 किलोमीटर ले गया $6 के लिए, अब ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं. जो ऑर्डर आया बिल्कुल मतलब 100 मीटर दूर ही है, मेरे को पिज्ज़ा उठाना था एंड देकर भी 1 किलोमीटर दूर आना है. नाउ दिस इज़ गुड, इफ़ आप इतने लकी हो कि आपको ऐसे पास के ऑर्डर आ रहे हैं, देन यू गुड टू गो, इट्स वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट. सो लेट्स गो, लेट्स डिलीवर दिस. तो 4th डिलीवरी डन, एंड उन्हें उनका पिज़्ज़ा दे दिया, एंड यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं आपको, एंड थैंक यू, सॉरी, हैव अ गुड डे, ऐसी चीज़ें इतना फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलती है कि अच्छी वाइब्स आती है, इतना अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे आप, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है यार. तो 5वां आ चुका है ऑर्डर, लेट्स गो, चलते हैं. अब मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि अब थकान नहीं हो रही एक्साइटमेंट की वजह से, एंड बस 1-2 और करेंगे देन बढ़िया जाके वीडियो एडिट करके मज़े से सोऊंगा. लेट्स गो. सो आ गए अपन अंदर. भाई गंदे आलसी है यहाँ के लोग, 400 मीटर दूर है इसके घर से, मैकडी कैसे घर पे खाना चाहिए, करो आलस, हम पैसे कमा लेंगे. तो बाहर 8 डिग्री है एंड मुझे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि ग्लेन फेरी रोड अभी मैं जो आया हूँ 2.5 किलोमीटर का पूरा ऐसा स्ट्रेच था, 2.5 किलोमीटर. आई एम सो अनॉयड राइट नाउ, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ अभी ये वाली में, और वो जो 3 किलोमीटर गए थे साउथ की तरफ, अभी तो लिटरली इट्स वॉज लाइक बिल्कुल ऐसा कॉन्स्टेंट ऐसा स्लोप था 2.5 किलोमीटर का. लेकिन अब वापस जाते हुए पूरी ढलान है, तो पैडल ही नहीं मारने पड़ेंगे, दैट्स गुड. तो यहाँ बार बार साइकिल देखनी पड़ती है, क्योंकि मेलबर्न में साइकिलें बहुत चोरी होती है मैंने सुना है, तो वैसे झांकना पड़ता है कि अपनी वही खड़ी है ना. चलो भाई को उनका बर्गर दे चल के, एंड बस अब मैं आई डोंट थिंक अब करूँगा, वील हेड होम, क्योंकि एक्सप्लोर करना था एक्सप्लोर हो गया, अपने को कोई जल्दी नहीं है इन सब चीज़ों की, कल योनी है पूरा दिन, तो घर जाके 8 घंटा सोऊंगा बढ़िया, थोड़ी देर पढ़ लूँगा, पहुँच के एक लेक्चर बाकी रहता है. तो चलो इनको बर्गर दे के घर चलते हैं, देन आई विल कंक्लूड कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इस मैनुअल बाइक पे. तो मैंने
डेढ़ घंटे किया डिलीवरी एंड आई डिड अराउंड 6 ऑर्डर्स। तो घर चलते हैं फटाफट, घर चल के बात करते हैं। मैं भी मतलब काफ़ी काफ़ी कीन हो रहा हूँ जल्दी जल्दी शेयर करने में मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत कुछ है बताने को। तो घर चलते हैं। तो मैं जस्ट यूनी से थोड़ा पहले रुक गया हूँ मैकडी के पास, बिकॉज ये हॉटस्पॉट है यहाँ का, विच मीन्स कि ये काफ़ी बिजी एरिया है जहाँ से ऑर्डर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो अब मैं क्यों रुका हूँ, क्योंकि मैं घर जा रहा था, तो मैं क्यों रुका हूँ, मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे 2 घंटे पूरे होने में 15 मिनट पड़ी है। तो मैं डिसाइड करके आया था कि मैं 2 घंटा करूँगा ये, मैं गिव अप करना नहीं पसंद है। एंड मैं वीडियो टाइटल या थंबनेल में झूठ नहीं डालता कि 2 घंटे तक किया, तो मैं पूरे 2 घंटे बाद ही जाऊंगा। एंड आई विल बी हैप्पी इफ एक और डिलीवरी आ जाती है तो, क्योंकि 15 मिनट में वो अपन निपटा लेंगे, तो उसके बाद जेन्युइनली पूरा 2 घंटा हो जाएगा। तो आई विल वेट हियर, मैं मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़ा हूँ एंड मेरा घर इज़ लाइक इन दैट बिल्डिंग, करीब का वो बिल्डिंग में, सो पास के पास ही है। इफ़ अगर नहीं आया 15 मिनट में ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा लोगों के सोने का टाइम हो गया ना यहाँ पे अराउंड। अरे भाई भाई भाई, ये तो मैं वो बन गया यार, तो कोई वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर लग रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए अब आई डोंट थिंक जितना फ्रीक्वेंटली पहले ऑर्डर आ रहे थे अब उतने। तो अभी मेरे सामने 3 गाड़ी वाले भैयाओं को ऑर्डर मिले, उन्होंने मैकडी से उठाया, वो ऑर्डर लेके गए, जिससे मेरे को पूरा भरोसा हो गया है कि अपने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव मोर चांसेज ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर, बिकॉज उनके पास गाड़ी है, 4-व्हीलर है, तो दे कैन ट्रैवल फास्टर, दे कैन कवर मोर डिस्टेंस। जो जो यहाँ पर आके गाड़ी चला सकते हैं, जिनका प्लान है कि आते ही गाड़ी लेंगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बाइक वालों का मैं भी बताता हूँ कमरे में पहुँच के मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, समअप करके सब कुछ। तो मैं और मेरी प्यारी सी साइकिल वापस अपने घर की तरफ, बहुत हेल्प करी साइकिल ने मेरी, थैंक यू। सो मैं आ गया कमरे में, फ्रेशन अप कर लिया एंड डिनर भी कर लिया। सो अब मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस का, इट वाज अमेजिंग, जितनी एक्साइटमेंट थी वैसा ही गया सब कुछ, इट वाज एक्चुअली ग्रेट। मैंने नहीं इतना एक्सपेक्ट किया था कि 6 डिलीवरियाँ आ जाएंगी एंड ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बिजी एरिया दैट आई एम लिविंग इन, उसकी वजह से। तो अगर आप कर रहे हो ऊबर ईट्स तो वो आपको दिखाएगा कहाँ कौन सा एरिया बिजी है, तो ट्राई करना सिटी के आसपास रहना, काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे 2 घंटे में बने हैं $36 इन टोटल, विच इज़ सेम एज आई एक्सपेक्टेड, बट पॉइंट ये है कि आखिरी के 20 मिनट मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली खड़ा था, वेट कर रहा था जैसा कि मैंने पहले दिखाया। एंड मैंने जितनी मैथ्स लगाई है उसे सिंपल ये है कि अगर तुम 4 डिलीवरी मार रहे हो ई बाइक से, तो तुम्हारे ईजीली 25-26 डॉलर तो बनना तय है। बाकी पीक टाइम में अगर तुम बिजी एरिया में हो जहाँ पे प्रमोशन चल रहा है, वहाँ तुम्हें 3 या 4 डॉलर एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑन ईच डिलीवरी, तो मेरे एरिया में केवल 2 डॉलर एक्स्ट्रा मिल रहे थे बेस प्राइस पे। एंड मैंने एक ऑर्डर कैंसिल भी किया था क्योंकि मेरी हालत नहीं थी, वापस वही 3 किलोमीटर वाला हिसाब था, मैनुअल बाइक पे नहीं होता है। तो अगर ई बाइक पे हो सब कन्वीनियंट हो जाएगा, अच्छे पैसे बन जाएंगे फॉर श्योर, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो समझो सुबह 3 घंटा कर लिया, शाम में 3 घंटा कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी जो है टाइम की ऊबर ईट्स में, दैट इज़ अमेजिंग, दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर श्योर। अब चीज़ ये है कि मैं मैनुअल बाइक पर था, तो यस उसके ड्रॉबैक्स है, बहुत ज़्यादा है, मुझे भी इनफैक्ट 1-2 रेस्टोरेंट ओनर्स ने बताया कि इस पे मत करो, इंडियन थे, इस पे मत करो, पागल हो जाओगे, थक जाओगे, ई बाइक ले लो। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो $1,100-1,200 की ई बाइक, देन रेंट कर लो $70 की, एंड ग्रो करते करते आप इजीली 2-3 ज़्यादा ही बोल दिया, उससे कम में यू विल बी एबल टू बाय एन ई बाइक एज वेल। एंड इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट्स दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू यू नो स्टार्ट अर्निंग, एंड थोड़ी सी बाइक पे एसेसरीज एंड एक बड़ा सा बैग, तो बस वो होगा अगर आपके पास, यू कैन स्टार्ट अर्निंग एट एनी टाइम फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अगर आप ई बाइक पर हो तो जैसे अगर सपोज मैंने
अगर तीन तीन साढ़े तीन ऑन एन एवरेज 3-3.5 डिलीवरी करी मैंने अगर 1 घंटे में, तो ई बाइक पे आप बहुत इजीली चार से पांच, पांच तो ज़्यादा हो गया, 4 डिलीवरी खींच लोगे तुम इजीली ई बाइक पे, बिकॉज जो स्लैंट जो है छोटे छोटे हिल्स आएंगे, यहाँ पे हिल बोलते हैं लोग, रोड आएंगी ऐसे, उस पर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, ई बाइक है तो ऐसे जाएगी। बाइक पे करो उबर ईट्स एंड वो आपको डिलीवरी पास पास की देगा बिकॉज इट नोज़ कि आप बाइक पर हो। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऑनेस्टली। तो जिस जिसको भी एफर्ट्स अच्छे लगे, जिस जिसको भी अच्छा लगा व्लॉग, एंड इफ यू अप्रिशिएट इट, ड्रॉप योर कॉमेंट्स, ड्रॉप योर थाट्स इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट तो बोल दिया, लाइक कर दो, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया सून, एंड सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल कीप पोस्टिंग मोर कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।